हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ स्पेशल वुमन के लिए जो अब्रॉड में जाते हैं और उसको वहाँ पे बैठ के जॉब करने के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है उसके लिए। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो के बारे में। सबसे पहले मैं कवर करने वाली हूँ आज के वीडियो के अंदर कि अगर आप फॉरेन में गए हो, कोई भी अब्रॉड की कोई भी कंट्री में गए हो और वहाँ पे आपके पास एजुकेशन नहीं है या फिर इस तरह का आपकी प्रोफाइल है कि आपको एजुकेशन रिलेटेड कुछ नहीं करना है, बट हाँ आप कुकिंग में अच्छे हो, तो आपके लिए मैं आज चार पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बिरयानी बना सकते हो। अगर आपकी बिरयानी अच्छी है तो आप बिरयानी बना के आप पोस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पे उसको सेल कर सकते हो और आपके आसपास के लोग जो इंडियंस है या फिर एशियन कंट्री के हैं आप उनको भी सेल करके आप अर्न कर सकते हो। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अगर अच्छा स्नैक्स बनाते हो तो वीकेंड के ऊपर आप जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं या वहाँ पे जो भी एशियंस कंट्री के लोग हैं उनको आप स्नैक्स सेल करके आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टिफ़िन सर्विसेज। काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं लेकिन हाँ उनको जॉब नहीं करनी, लेकिन उनका कुकिंग और टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आसपास के इंडियन के लोगों को टिफ़िन सर्विसेज दे के भी अर्न कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप होममेड कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो, फॉर एग्जांपल लाइक पर्टिकुलर एक लाइक चटनी टाइप का है या फिर आप सॉसेस बना सकते हो, तो वो आप कुकिंग के अंदर ऐड करके आप बना सकते हो। तो ये जो चार पॉइंट मैंने आपको बताया वो चार पॉइंट आप कोई भी लोग कर सकते हो, लाइक एज अ फीमेल स्टूडेंट है वहाँ पे जाके उनको जॉब नहीं करनी तो ये भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स में मदर या फिर उनके वाइफ अगर वहाँ पे विजिटिंग वीज़ा पे आते हैं तो उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज ऑफ फूड ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ किसी भी तरह की उसमें कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता या फिर उसमें कोई भी बंद होने का चांसेस नहीं है। हर एक इंसान को फूड की ज़रूरत होती है, तो ये चार अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होती है वहाँ पे आपको अर्न करने के लिए। सो दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो लोग स्किल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले ले रही हूँ कि ब्यूटी पार्लर। इंडिया से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया होता है, तो वहाँ जाके वो घर बैठे बहुत सारी इंडियन और वहाँ के लोकल लोगों को ब्यूटी पार्लर की सर्विस दे के अर्न कर सकते हैं। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो कि आपके पास जैसे मैंने अभी बताया कि ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी सर्विसेज को आप इंस्टाग्राम पे जाके लाइक मेकअप का है या फिर हाउ कैन यू डूइंग वैक्स एंड एवरी काइंड ऑफ ब्यूटी रिलेटेड जो भी स्किल्स है आप उसको भी सिखा के आप घर बैठे भी अर्न कर सकते हो। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ज्वेलरी सेलिंग। ज्वेलरी सेलिंग बहुत सारे लोग वहाँ पे करते हैं अब्रॉड के अंदर, उनको रॉ मटेरियल इंडिया से मिल जाता है या फिर उनकी जो भी कंट्री है वहाँ से मिल जाता है, तो आप ज्वेलरी वहाँ इंडिया से या कोई भी कंट्री से बाई करके जो भी कंट्री में आप रहते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप बिजनेस इंस्टा अकाउंट बना के इसमें से आप सेल करके भी आप घर बैठे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। और उसमें छोटी मोटी लोन के लिए भी जो भी अब्रॉड में जो कंट्री में आप रहते हो वहाँ की गवर्नमेंट भी आपको छोटी मोटी लोन लेके वो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट वहाँ पे काफ़ी पढ़ने जाते हैं, तो स्टूडेंट को काफ़ी छोटी मोटी हेल्प चाहिए होती है, लाइक उनके रिपोर्ट्स के अंदर उसको फॉर्मेटिंग के लिए या फिर एक दो टूल्स होते हैं राइटिंग रिलेटेड लाइक लेटेक्स है या फिर और दो तीन टूल होते हैं, तो उनको एकेडमिक राइटिंग में भी आप सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, लास्ट वन है इंस्टाग्राम पे आप कोई भी आपकी जो भी स्किल होती है उसके अंदर जाके आप प्रोफाइल क्रिएट करके इंस्टा इन्फ्लुएंसर बनके बहुत सारे एक्से अमाउंट रील्स बना के भी अर्न कर सकते हो। तो जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई आज के वीडियो में, सबसे पहले कि जिसको ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कोई स्किल नहीं है पर जो कुकिंग में अच्छे हैं तो उनके लिए कुकिंग रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बताए वहाँ से आप अर्न कर सकते हो, और दूसरा है जो मोबाइल फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और ब्यूटी रिलेटेड एक्सपर्ट है, तो ये दूसरे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए इन लोगों के लिए ये पॉइंट्स अच्छे हैं जो वहाँ बैठे अर्न कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।